हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह फ्रॉम मोटिव लर्निंग क्लासेस। आज हमारा लास्ट वीडियो जर्नल एंट्री पे। जितने भी डाउट्स क्वेश्चन थे, जितने भी थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैं कराने वाला हूँ आपको। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो के बाद आपको जर्नल एंट्री में कोई डाउट्स नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लास 11 जो चैप्टर नंबर 3 है, 3 या 4 चैप्टर है, वो जर्नल एंट्री अभी के नए बुक में 4th चैप्टर है। पहले 3rd चैप्टर में हुआ करता था जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि जर्नल एंट्री अगर आपको नहीं आता है तो शायद अकाउंटेंसी में आपको तकलीफ हो सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट है हमारा जर्नल एंट्री पे। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, ध्यान से देखना है ये वीडियो को और ध्यान से सीखना है। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेस्ड फ्रॉम 50,000 परचेस्ड फ्रॉम कीर्ति एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फिर आगे दिया है हाफ अमाउंट पेड बाई चेक। देखिए क्वेश्चन कहां से टफ हो जाता है, जब यहां पे आ जाता है ना हाफ अमाउंट 70% अमाउंट, तब हमारा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए हाफ अमाउंट पेड बाई चेक, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर इसके आंसर पे चलता हूं, ठीक है। ठीक है चलिए अब आंसर पे चलते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेस फ्रॉम कीर्ति। अगर मैं कीर्ति से सामान परचेस किया होता तो सिर्फ परचेस करता तो क्या एंट्री आता, परचेस अकाउंट डेबिट। अगर मैं सिर्फ कीर्ति से परचेस करता, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन मेरा यहां तक रहता कि गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेस फ्रॉम कीर्ति, सिर्फ बोला गया कि कीर्ति से हमने सामान परचेस किया तो रहता परचेस अकाउंट डेबिट टू कीर्ति अकाउंट। ध्यान से देखिए, देखते जाइएगा, आपका सारा डाउट यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा। फ्रॉम कीर्ति होता तो 50,000 की एंट्री आती, 50,000, ठीक है। बट अभी क्या हुआ है, देखिए आगे देखिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा ही लगेगा ना 50,000 पे। तो 50,000 पे अगर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा मतलब 5,000 का डिस्काउंट, और 5,000 का अगर डिस्काउंट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 45,000। मतलब एंट्री यही रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट तक एंट्री यही रहने वाला है, अमाउंट में बस बदलाव आ जाएगा, कितना हो जाएगा 45,000 एंड 45,000, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन के आगे क्या लिखा है, एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब देखिए ये जो कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, ये कब होता है पता है, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, ठीक है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू तुरंत पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, तभी ये कैश डिस्काउंट वैलिड होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कैश डिस्काउंट वैलिड होने वाला है या नहीं होने वाला है, अगर होने वाला है तो कितने अमाउंट पे होने वाला है, ठीक है। देखिए लिखा है हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब आधा अमाउंट तुरंत पेमेंट हो रहा है, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू कीर्ति, कीर्ति रहेगा क्योंकि आधा अमाउंट पे नहीं हुआ है अभी, ठीक है, आधा अमाउंट का पेमेंट बाकी है, तो आधा अमाउंट जो है उस पर तो मिलेगा ना, टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिए हमने डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया, बैंक को क्रेडिट क्यों किया और कीर्ति को क्रेडिट क्यों किया वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो परचेस किया आपने, कितने का सामान परचेस किया 45,000, ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल होकर एंट्री आती है, ठीक है। आधा अमाउंट आप चेक के थ्रू पे कर रहे हो, मतलब आधा अमाउंट पे नहीं करोगे, और पे नहीं करोगे मतलब कीर्ति वो बाद में पेमेंट कर, कीर्ति को आप बाद में पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। तो जिसको हम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले रहते हैं ना, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है, क्या हो जाता है क्रेडिटर। दैट मींस कीर्ति हमारे लिए क्रेडिटर है, और कितना अमाउंट मैं इसके नाम पे छोड़ रहा हूं, 22,500 45,000 का आधा अमाउंट, 50% अमाउंट मैंने इसको क्या बोला तुम्हें, मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। और एक बात, बाकी जो 22,500 रुपया है, देखिए बाकी जो 22,500 रुपया है वो मैंने क्या बोला कि तुम्हें तुरंत चेक से पेमेंट करूंगा। तो देखो जो मैं तुरंत पेमेंट करने वाला हूं ना, उस पर उसने बोला कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, 10% का कैश डिस्काउंट, जो अमाउंट तुरंत पेमेंट होने वाला है उस पर 10% का कैश डिस्काउंट, मतलब 2,250 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बाकी अमाउंट कितना हो जाएगा, 05202।
मतलब ये 20,250 रुपया चेक के थ्रू मुझे पेमेंट करना पड़ेगा और 2,250 रुपये मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। यही है वो पूरा एंट्री, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो गया, मैं सामान परचेस कर रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो एज एन इनकम कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिविजन के लिए, या तो वापस से वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो में क्वेश्चन थोड़ा टफ टफ होने वाला है, तो खुद के माइंड को प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए हर जर्नल एंट्री के शुरुआत में आपको मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है? अ बिजनेस इज कमेंस्ड। देखिए कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है, टू बिगिन, ठीक है। अ बिजनेस इज स्टार्टेड विथ इंट्रोड्यूसिंग, विथ इंट्रोड्यूसिंग मतलब बिजनेस में लाया गया क्या क्या लाया गया देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कैश ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 कॉमा पेबल्स, जो भी आपको पे करना है, ठीक है। पेबल्स का मतलब होता है फ्यूचर में जिसका पेमेंट करना करने वाला हूं मैं। पेबल्स ऑफ रुपीज 25,000, लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 25,000, लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 10,000 एंड स्टॉक ऑफ गुड्स ₹1,50,000। अब देखिए ऐसा सारे क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है हमको, ठीक है। मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं या बिजनेस को शुरुआत करते टाइम मैंने क्या क्या लेके आया, कैश लेके आया 50,000 का, पेबल्स है 25,000 का, लाइबिलिटी है 10,000 का एंड स्टॉक ऑफ गुड्स है 1,50,000। जितने भी असेट्स है ना उनको डेबिट में लिख दो। असेट्स क्या क्या है मेरे पास? कैश है, कैश मेरे लिए असेट है, कैश अकाउंट डेबिट किया, कैश को डेबिट कर दिया, और जितने भी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट करना है। पेबल्स मेरे लिए लाइबिलिटी है, यहां लाइन खींच के रख रहा हूं, लाइबिलिटी है क्रेडिट में लिखूंगा। स्टॉक ऑफ गुड्स ये मेरे लिए असेट है तो यहां लिखूंगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितने भी असेट थे उसको मैंने डेबिट में लिख दिया, अब लाइबिलिटी को लिखूंगा क्रेडिट में, टू पेबल्स अकाउंट, ठीक है। एंड देन एक और लाइबिलिटी है जो कि टू लाइबिलिटी अकाउंट। देन अब देखिए एक चीज हमने पढ़ा था कि असेट माइनस लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं हम उसको। यहां पे हम क्या बोल देंगे? टू कैपिटल अकाउंट। जो भी टैली करके मेरा अमाउंट बचने वाला है ना, वो हमारा पूरा अमाउंट किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। क्या क्या अमाउंट था? कैश का मेरा अमाउंट था 50,000, कैश था मेरा 50,000, देन स्टॉक था 1,50,000, डन। पेबल्स देखिए कितना है, 25,000, लाइबिलिटी है मेरा 10,000, देन जो भी टैली करके मार्क्स आएगा ना कैपिटल, वो पूरा का पूरा जाएगा कैपिटल में। इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 1,15,000, डन। ये मेरा हो जाएगा कैपिटल। मतलब इस तरह से हमारी एंट्री होने वाली है। सारे असेट को डेबिट कीजिए, लाइबिलिटी को क्रेडिट कीजिए, और जो अमाउंट बच रहा है टैली करने के बाद वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हम लोग आज। जनरल एंट्री में आज पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। वीडियो लंबा होने वाला है तो धीरज रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। 50,000 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड
एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ रुपीज 30,000, ठीक है, एंड 10,000 कैश रियलाइज्ड फ्रॉम स्क्रैप, ठीक है, जलने के बाद जो सामान भंगार हो गया था उसको बेचने के बाद हमें क्या मिला है, 10,000 का स्क्रैप। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि मेरे बिजनेस से कोई भी रीजन से गुड अगर बाहर जा रहा है अदर देन सेल्स के अलावा मेरे बिजनेस से अगर कोई भी रीजन से गुड बाहर जा रहा है तो मैं क्या लिखता हूं, टू परचेस अकाउंट। मतलब मैं खामोशी से क्रेडिट में लिख दिया टू परचेस अकाउंट, जितने का गुड्स मेरे बाहर गया है, कितने का गुड्स गया, 50,000, मैं लिख दिया 50,000 का अमाउंट मेरा बाहर गया। तो डेबिट में मैं क्या लिखता हूं, जो रीजन से बाहर गया, ठीक है। अब देखिए डेबिट यहां क्या क्या होगा, एक तो मेरा लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम, मतलब 30,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में मिलेगा मुझे, दैट मींस ये 30,000 मेरे लिए असेट हो गया, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है मेरे अमाउंट जो क्लेम किए है अभी वो फ्यूचर में मुझे मिलेगा, देन ये मेरे लिए असेट हो गया, तो लिखूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना हजार मुझे मिलने वाला इंश्योरेंस कंपनी से, 30,000, ठीक है। देन क्या है, एंड 10,000 कैश रियलाइज्ड फ्रॉम स्क्रैप, 10,000 का मुझे कैश मिला, कैसे, भंगार बेच के, वो जो सामान मेरा जला है ना उसको मैंने बेचा तो 10,000 मिला, तो मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का, 10,000 का। मेरा टोटल सामान जला था 50,000 का, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं तुम्हें 30,000 दे दूंगा, 10,000 मेरा कैश रियलाइज हो गया सामान बेच के, तो बाकी जो बचा वो लॉस हो गया है, तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट होता है तो लॉस भी डेबिट हो गया मेरा, कितने का, 10,000 से, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा अच्छे से। अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो क्या करते हैं पता है, अगर आपका ऐसे टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो टू परचेस क्रेडिट में लिख दीजिए और बाकी सारे एंट्रीज को क्या कर दीजिए, डेबिट में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि वीडियो लंबा होने वाला है और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अ लोन ऑफ रुपीज 15,000 टेकन फ्रॉम सुरजीत एट 10% रेट, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, अ लोन ऑफ रुपीज 15,000 टेकन फ्रॉम सुरजीत एट 10% रेट। देखिए आपने क्या किया ना, लोन लिया है 15,000 का, लोन लिया है 15,000 का, लोन लिया किससे, सुरजीत से। देखिए अब अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो लोन मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी, लोन मेरे लिए क्या हो गया, कर्ज, आपको फ्यूचर में पेमेंट करना रहेगा, वो अमाउंट वापस देना रहेगा। जो भी मेरे लिए कर्ज हो जाता है ना उसको मैं कहां पे लेके जाता हूं, क्रेडिट में। हमने क्या सीखा, जिसको भी मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है ना वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, ठीक है। टू कितना परसेंट लोन है, टू 10% सुरजीत लोन अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट में क्या आएगा, अभी आपके पास कैश आ रहा होगा जब आप लोन लिए उसके पास से, तो जाहिर सी बात है आपके हाथ में कैश आया होगा, तो कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। देखिए काफी बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये 10% का रेट दिया है तो 15,000 का 10% कितना होता है वो निकालने लगते हैं, बट यहां पे लोन अभी आप ले रहे हो, अभी पूरा साल बीतेगा उसके बाद आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट का नहीं सोचना यहां पे, सिर्फ आप लोन ले रहे हो, उसने बोला कि 10% रेट लगाऊंगा मैं पूरे साल का, बस इतनी सी बात थी, तो आपने सिर्फ लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू 10% सुरजीत लोन अकाउंट 15,000 एंड 15,000, ठीक है। कई बार कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता हूं, अ लोन ऑफ रुपीज 15,000
गिवन गिवन टू सुरजीत एट 10% रेट। अब मैंने क्या किया ना, अब मैं लोन दे रहा हूं सामने वाले को, अगर मैं लोन दूंगा तो वो मेरे लिए असेट हो जाएगा क्योंकि वो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। तो अब जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, अब ये लोन मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लोन टू सुरजीत अकाउंट, लोन टू सुरजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, अभी तो मेरे हाथ से कैश जाएगा तो टू कैश अकाउंट, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है जब मैं भेजता हूं तो 15,000। देखिए अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं गिवन और टेकन में। गिवन अगर आप लोन दे रहे हो ना तो आपके लिए वो असेट है, और अगर आप लोन ले रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपका जर्नल एंट्री क्लियर हो रहा है अब अच्छे से, और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी जाके देख लीजिएगा अगर जर्नल एंट्री में लगता है कि आपको कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्या लिखा है, अ चेक ऑफ रुपीज 800 वॉज अ चेक ऑफ रुपीज 800 वॉज इश्यूड टू वैशाली, वॉज इश्यूड टू वैशाली, वॉज इश्यूड टू वैशाली एज अ फाइनल सेटलमेंट, एज अ फाइनल सेटलमेंट फॉर ड्यू ऑफ रुपीज, फॉर ड्यू ऑफ रुपीज 810। देखिए ड्यू का मतलब होता है बाकी होना, ड्यू का मतलब क्या होता है, बाकी होना। देखिए ध्यान से, अ चेक ऑफ रुपीज 800 वॉज इश्यूड टू वैशाली, हमने वैशाली को चेक दिया, कितने का चेक दिया है, 800 रुपए का। ध्यान से देखिएगा, हमने चेक दिया है 800 रुपए का, एक्चुअल बाकी कितना था, 810 रुपया। अब यहां ध्यान से देखिए, 810 रुपया बाकी था, मैं कितने का चेक दे रहा हूं उसको, 800 का, मतलब 10 रुपया मेरे लिए डिस्काउंट है, 10 रुपया मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट ये मुझे मिल रहा है ना डिस्काउंट, क्योंकि मैंने उसको चेक दिया, मेरा बाकी था उस पर 810 रुपया, लेकिन मैंने उसको दिया कितना एक्चुअल में, 800 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री देख लीजिए, वैशाली इज द रिसीवर, तो वैशाली को डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर, वैशाली अकाउंट डेबिट। मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू, तो टू बैंक लिखूंगा, अगर कैश के थ्रू जाता तो टू कैश लिखता, टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। क्यों मैंने क्रेडिट में डिस्काउंट अकाउंट किया, बिकॉज डिस्काउंट हमें मिला, ठीक है। अगर हम देते डिस्काउंट तो डेबिट में लिखते, हमें मिला, टोटल 810 रुपया देना था, जिसमें से मेरे पास से गया कितना, 800 रुपया, और 10 रुपया मेरा क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, इसका जस्ट उल्टा हो जाता, अगर चेक आपको रिसीव हुआ रहता 800 का, और 810 रुपया सामने वाला अगर देने वाला रहता, बट उसके बदले में उसने 800 ही दिया होता, तो 10 रुपया आप डिस्काउंट दे रहे होते, तो ये दोनों ऊपर आ जाता, नाम नीचे आ जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस इजी थे या हार्ड लेवल के थे, जैसे भी क्वेश्चन आपको लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ सीखने मिला आपको या वीडियो वेस्ट ही रह गया, ठीक है। चलिए अगला, चलिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशीन ऑफ रुपीज 50,000, मशीन ऑफ रुपीज 50,000 purchased from Avinash Traders and paid machine installation charge rupees 5,000। डन, हमने 50,000 का मशीन खरीदा और उसके बाद मशीन को चालू करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कितना रुपया दिया है, 5,000। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आज के बाद
पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप कोई भी असेट खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसको यूज में लेने से पहले आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब मशीन का मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन का मेरा टोटल वैल्यू क्या हो गया, 50,000 प्लस 5,000, 55,000। मेरे को मशीन कितने में पड़ा है, 55,000 का, जिसमें से मैंने अविनाश ट्रेडर को, टू अविनाश ट्रेडर, ठीक है, मैं कैश में नहीं खरीद रहा हूं, इसके नाम पे डाल रहा हूं ट्रेडर्स अकाउंट, अगर कैश में खरीदता तो टू कैश अकाउंट डायरेक्ट हो जाता, बट इससे खरीदा हूं, कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि मैंने कैश में खरीदा है, ठीक है, और नाम मेंशन किया है, तो मैंने इससे कितने का खरीदा, 50,000 का, और प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज मेरा कितना गया है, 5,000, ठीक है, जो आपने इंस्टॉलेशन चार्ज का पेमेंट किया है उसको आपको टू कैश अकाउंट करके अलग से लिखना है, ठीक है, और जो आपको अविनाश ट्रेडर्स को पैसा पे करना है 50,000, वो उसके नाम पे एंट्री करना है, ठीक है। मतलब मशीन अकाउंट में मेरा पूरा कितना अमाउंट आएगा, 55,000। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू अविनाश ट्रेडर्स लिख देते हैं, 55,000 डाल देते हैं, ठीक है, या तो कई बार ऐसा भी होता है डेबिट में लिख देते हैं मशीन इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो नहीं करना है गलती, सिर्फ मशीन अकाउंट डेबिट होगा ऐसे केस में, ठीक है। चलिए, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ेगा। आई होप कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो जर्नल की एंट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 रिटर्न्ड बाय मनाली, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 रिटर्न्ड बाय मनाली, ठीक है, मनाली ने मुझे 20,000 का गुड्स क्या किया है, रिटर्न किया है। अब देखिए यहां पे, अगर गुड्स रिटर्न हो रहा है मुझे मनाली के द्वारा, तो मनाली ने मुझसे क्या किया होगा, खरीदा होगा, मतलब मैंने बेचा होगा उसको सामान, मैं बेचा हूं तभी तो सामान रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है, तो बेचने के टाइम पे हमने क्या एंट्री डाला होगा, मनाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मनाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही मैंने एंट्री किया होगा, ठीक है, जब मैं बेचा होगा सामान तो मैंने क्या एंट्री किया होगा, मनाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जितने का सामान रिटर्न हो रहा है ना, 20,000 का सामान रिटर्न हो रहा है, तो इस सेल्स आपने क्रेडिट किया था ना, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, नाम को क्रेडिट कर दीजिए टू मनाली अकाउंट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनाली अकाउंट, सेल्स की जो एंट्री होती है ना, जस्ट उल्टा होता है सेल्स रिटर्न की, ठीक है, बस सेल्स की जगह पे हमें सेल्स रिटर्न लिखना रहता है, 20,000 and 20,000, इतने रुपए से ना मेरा डेटर कम हो गया, क्योंकि जितना मैंने बेचा था, तो मनाली से मान लो ये पूरा सामान मैं 80,000 का बेचा होता, ठीक है, तो मनाली से 80,000 रुपया लेना रहता, अब क्या हो गया ना, 20,000 का रिटर्न हो गया, 20,000 से मनाली क्रेडिट हो गया, मतलब अब मुझे मनाली से कितना मिलेगा, 60,000 रुपीज, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भी है, इसको एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखिए, ₹8,000 ड्यू फ्रॉम आनंद, ठीक है, ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड Only ₹1,800 are recovered, ठीक है, a balance amount is written off, बाकी का अमाउंट क्या करना है, हमें रिटर्न ऑफ करना, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ₹8,000 ड्यू फ्रॉम आनंद, आनंद से मुझे कितना मिलना बाकी है, 8,000 रुपया, ही बिकम इंसॉल्वेंट, अब वो क्या हो गया, कंगालिया हो गया, अब उसके हाथ में पैसे खत्म हो गए, ठीक है,
8000 मुझे लेना था बट एंड ओनली रुपीज 1800 आर रिकवर्ड, सिर्फ कितना मुझे उससे मिल पाया 1800 रुपया। अब यहां देखिए 8000 मुझसे उससे टोटल लेना था पैसा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मुझे मिल कितना पाया 1800 रुपया, तो बाकी जो पैसा बचेगा, ठीक है, बाकी जो 6200 रुपया है ये मेरा क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बैड डेट। ये तो पैसा डूब गया ना, ये मेरे पास आ रहा है जितना अमाउंट आ रहा है वो जो आता है मेरे पास कैश, तो कैश को डेबिट करता हूं, तो मैं लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ रहा है मेरे पास 1800, कैश अकाउंट डेबिट किया 1800, ठीक है। दूसरा दिया है कैश अकाउंट डेबिट होने के बाद बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 6200, कितना है, किससे मिलने वाला था, आनंद अकाउंट, टू आनंद अकाउंट, कितना बाकी था टोटल 8000 रुपीस, ठीक है। ये रहा मेरा लास्ट का पूरा एंट्री, मुझे आनंद से 8000 रुपीस मुझे मिलने वाला था, ठीक है, कितना मुझे मिला एक्चुअल में, कैश मिला 1800 रुपए का, और बाकी का जो पैसा था वो कहां चला गया, मेरा डूब गया पैसा, क्योंकि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट किया, बैड डेट अकाउंट डेबिट किया एंड आनंद अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, जाहिर सी बात है अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो के पीछे तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। जनरल एंट्री के ये लास्ट वीडियो था, जनरल एंट्री सीरीज का ये लास्ट वीडियो था, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको सीखने मिल रहा है, अगले टॉपिक में भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, कुछ कमेंट्स आपके तरफ से अगर वीडियो के लिए अच्छे अच्छे हो सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।